हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर, और मैं हूं आपका जी एजुकेटर नवदीप सिंह। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरे हफ्ते भर के एमसीक्यूज का, और उससे पहले के भी जो एमसीक्यूज हैं उन सभी का। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा कि ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सभी के सभी प्रश्नों का रिप्लाई दूंगा। दूसरी, हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं आज तो गुड मॉर्निंग कोट, गुड मॉर्निंग क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग आंसर, जो हमारा एक पारंपरिक तरीका है। उस पारंपरिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वो पारंपरिक तरीका हम लोग अगले सेशन में लेकर के आएंगे जब हमारे पास करंट अफेयर्स का लाइव सेशन आएगा तब। चलिए जल्दी से डिस्कशन करते हैं हम लोग, और डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है प्रमोद कुमार तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं और ये असम मेघालय कैडरी से आते हैं, वहाँ इन्होंने IAS ज्वाइन किया था और उसके बाद अभी केंद्र में है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल भारतीय मानक ब्यूरो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हु वॉन द इंडियन गोल्फ यूनियन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2019, यानी 2019 की इंडियन गोल्फ यूनियन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? और इसका सही आंसर है अर्जुन भाटी। अब देखें, तीन दिनों का एक अच्छा खासा ये मैच चला, और ये जो मैच है ये हुआ है टॉलीगुंजे गोल्फ कोर्स ग्राउंड कोलकाता में, गोल्फ कोर्स ग्राउंड कोलकाता, और वहाँ पर अर्जुन भाटी ने बेंगलोर के आर्यन को हरा करके ये गोल्फ की चैंपियनशिप जीती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज अर्जुन भाटी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक DG के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? और इसका सही आंसर है अनूप कुमार सिंह हैज़ टेकन द चार्ज। एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा NSG के बारे में, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ड्रॉप करना कि NSG की स्थापना कब हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनको कहा जाता है ब्लैक कैट कमांडोज, जो आप लोग सुनते हो ना ब्लैक कैट कमांडो क्या होते हैं, वो इनको कहा जाता है। दूसरा, ब्लैक कैट कमांडो के अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में दो तरह से फोर्सेज होती हैं, एक होती है जिसे कहा जाता है स्पेशल एक्शन ग्रुप, एक होता है जिसे कहा जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG और SAG। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लोग होते हैं, यानी जो ITBP, BSF, असम राइफल्स और CRPF, CISF के लोग होते हैं वो सब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में होते हैं। जो भी VVIPs की सुरक्षा होती है उन सभी के आगे पीछे जो आप ब्लैक कैट कमांडोज देखते हो वो सभी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में आते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि रिसेंटली कौन से राजनीतिक परिवार की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने पीछे ले लिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करके बताइएगा कि किसकी SPG प्रोटेक्शन हटा दी गई है। दूसरा, स्पेशल एक्शन ग्रुप जो होता है NSG के अंदर, इसमें इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, और ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड यूनिट है जिसका काम है ऑपरेशंस करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, एक एग्जांपल ये है, टीम प्लीज़ मुझे हाइड कर दीजिए यहाँ से ताकि ये डेटा दिख सके। एग्जांपल ये है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2008 में जब मुंबई में होटल ताज पर अटैक हुआ था तो उस समय पर अपनी सक्रियता दिखाई थी, और सक्रियता को दिखा करके वहां पर ऑपरेशन किए थे, जहां एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का नाम भी आप पढ़ते हो, संदीप उन्नीकृष्णन जो थे वो शहीद हुए थे मेजर साहब। तो ये स्पेशल एक्शन ग्रुप है NSG, एक बड़ा फॉर्मेशन है, और NSG के जो इसका स्थापना वर्ष है, स्थापना वर्ष जरूर आपको लिखना है, याद रखिएगा स्थापना वर्ष। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच पर्सनालिटी वॉज नेम्ड एज एम्बेसडर ऑफ भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की लक्ष्मी पहल के लिए किसको नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, नामित तो दो लोगों को किया गया है, लेकिन ऑप्शन में आपके एक हैं, दिशा पाटनी, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, कैटरीना कैफ और श्रद्धा कपूर। अब देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन PV सिंधु है, लेकिन ये सभी नाम तो एक्ट्रेसेस के हैं। एक एक्ट्रेस और है जिस एक्ट्रेस को इसके एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, और वो है दीपिका पादुकोण।
ऐसा समझा जाता है कि दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु इन दोनों ने भारत की नारियों के ऊपर अपने बहुत अच्छे छाप छोड़ी है, बहुत अच्छा अपना इम्प्रेशन छोड़ा है, जिसकी वजह से इन्हें अगर एम्बेसडर बनाएंगे तो डेफिनेटली भारत की लक्ष्मी अभियान आगे बढ़ेगा और सफल होगा। तो याद रखिएगा, इन्होंने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया है टुवर्ड्स द वीमेन ऑफ द नेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है, विच बैंक इन एसोसिएशन विथ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज लॉन्च एन अपग्रेडेड हेल्थ केयर प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने अपग्रेडेड हेल्थ केयर प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, और इसका सही ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसकी स्थापना का वर्ष कौन है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, और तीसरा ये नेशनलाइज कब हुआ, ये कमेंट आपको बताना है, और साथ ही साथ इसके करंट सीएमडी कौन है। ये चारों चीज़ें आपको बतानी है इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपग्रेडेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये किया है और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए इस साल के विश्व दिवस की थीम क्या है? इस साल का ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस जो मनाया गया है वो है 27 अक्टूबर को। और इसके साथ एक और चीज़ याद रखिए कि यूनेस्को ने 2005 में इसको शुरू किया था, यूनेस्को ने 2005 में इसको शुरू किया था 2005 में, और तब से लेकर के अब तक ये लगातार हर साल 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका बेसिक मोटिव जो है वो है अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोगों में ऑडियो विजुअल रिस्क के बारे में और उनकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी फैल सके। ठीक है, अब दूसरा इस क्वेश्चन में ये है कि इस साल के दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम है इंगेज द पास्ट थ्रू साउंड्स एंड इमेजेस, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एडजुटेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। यानी भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और एक बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आता है। देखिए इसमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं ऐसे, और इन नामों को आप लोग सुनते भी रहते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है अरविंद दत्ता साहब। अरविंद दत्ता जी जो हैं ये प्रेजेंटली कमांडिंग ऑफिसर है वज्र कोर जालंधर, उसके कमांडिंग ऑफिसर हैं। और इन्होंने चार्ज लिया है लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार को सक्सीड करते हुए। यानी जो इसके पहले लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार हुआ करते थे उनको इन्होंने सक्सीड किया है। अश्विनी कुमार साहब ने 31 अक्टूबर को अपना ऑफिस रिज्यूम कर दिया था, उन्होंने 31 अक्टूबर को ऑफिस छोड़ दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि लक्षद्वीप की जब भी हम लोग बात करते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारट्टी, ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। फिर भी अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी, आरिफ खान, कलराज मिश्र, दिनेश्वर शर्मा, आनंदीबेन पटेल और बीबी रानी मौर्या। अब इसमें जो दिनेश्वर शर्मा जी हैं, दिनेश्वर शर्मा इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ याद रखिए, दिनेश्वर शर्मा ये पहले इंटरलोक्यूटर थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और अभी इनको नियुक्त किया गया है लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, यानी वहाँ के प्रशासक के तौर पर। दूसरा इसमें आरिफ खान जो हैं, आरिफ मोहम्मद खान, ये केरला के गवर्नर हैं। जल्दी से मुझे बताओ कलराज मिश्र कहाँ के गवर्नर हैं? आपके कमेंट सेक्शन में वो आंसर आना चाहिए, क्या राजस्थान सही आंसर है या नहीं है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको बस हिंट देते चलता हूँ, आनंदीबेन पटेल क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं या नहीं है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और बेबी रानी मौर्य क्या उत्तराखंड की गवर्नर हैं या नहीं है, आपको आंसर देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डिजाइंड अ पेपर बेस्ड सेंसर टू डिटेक्ट द क्वालिटी ऑफ मिल्क। यानी किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कागज़ पर आधारित एक सेंसर तैयार किया है। ये बड़ा बढ़िया सा इन्वेंशन है जो कि आईआईटी गुवाहाटी के लड़कों ने एक बेहतरीन कागज़ पर बेस्ड सेंसर बनाया है, जिस सेंसर के थ्रू वो लोग ये पता लगाएंगे कि मिल्क में कहीं कोई मिलावट तो नहीं की गई। एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा इन्होंने मिल्क के फ्रेशनेस के ऊपर, जो उसकी फ्रेशनेस होती है, फ्रेशनेस का मतलब वो ताज़ा है या नहीं है, इस बात पर भी इस मेथड को
उन्होंने अपनाया है कि फ्रेशनेस के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा और साथ ही साथ दूध में मिलावट के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्ड द गोल्डन लीफ अवार्ड 2019। निम्नलिखित में से किसने गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 जीता है? और इसका सही आंसर है टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से गोल्डन लीफ पुरस्कार जीता है, ये याद रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जाननी है, वो ये कि टोबैको बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस के सुनीता, ये याद रखिए, के सुनीता इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टोबैको बोर्ड। और दूसरा, इनको ये जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम। तो इतना याद रहेगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि चांद पर उतरने वाले भारत के दूसरे मिशन का नाम क्या है? एक मिशन तो ऑलरेडी हमने लॉन्च किया ही हुआ था, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। क्या इसी नाम से दूसरा मिशन लॉन्च किया जा रहा है या इसके अलग नाम से कोई लॉन्च किया जा रहा है? सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड मिशन टू लैंड ऑन मून? जल्दी से देखिए, सबसे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इसका जो सही आंसर है वो चंद्रयान 3 है। हमारे इसरो ने घोषणा की थी कि नवंबर 2020 में हम एक ऐसा मिशन लेकर के जाएंगे जिस मिशन के थ्रू हम चंद्रयान, यानी कि एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। जो चंद्रयान 2 हमारा असफल रहा था, किसी एक छोटी सी कमी के चलते, उस छोटी सी कमी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक चीज़ और याद रखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ इसरो? और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? क्या बेंगलोरो में है? क्या इसकी स्थापना 1969 में हुई थी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इसकी स्थापना 1969 में हुई थी? क्या इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है? और क्या इसके जो चेयरमैन हैं या डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर का नाम के सिवान है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे आप लोग इसरो के बारे में। ये एक स्टैटिक डेटा है जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है, इस पर आंसर भी देना है भैया, ऐसा नहीं है कि खाली छूट जाए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि विच सिटी ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन लाइटिंग रिसेंटली? किस शहर ने इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन लाइटिंग का आयोजन किया है? और ये एक अच्छी चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है भाई। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि गुरुग्राम में एक जगह है जहाँ पर उसे कहा जाता है मानेसर। और मानेसर में अभी रिसेंटली हम लोगों ने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, मैंने भी आपको वीडियो में बताया था कि वहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT का उद्घाटन किया गया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर मानेसर हरियाणा में मीटिंग ली गई, फोकस ये किया जाएगा कि किस तरह से हम डेवलपमेंट में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकते हैं। भारत में तकनीक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। दूसरा देखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इस पर ISOL यानी इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन लाइटिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन लाइटिंग, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की गई है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस कर रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, यानी कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? जल्दी से बताओ भाई, कौन आयोजित करेगा? इसकी भी मैं आपके चर्चा कर लेता हूँ कि इसमें जो सही आंसर है, भारत ऑर्गेनाइज करने वाला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ICAS। सबसे पहले ये याद रखना, ICAS जो है इसका 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शामिल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा इसे कार्यरत किया जाएगा। और दूसरा, इसमें जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो चीफ गेस्ट हैं नन अदर देन बिल गेट्स साहब, जो कि गूगल के फाउंडर या गूगल के CEO या गूगल के करंट CMD क्या हैं भाई, कमेंट करके जल्दी से बताओ। बिल गेट्स का नाम गूगल से ले लिया मैंने, कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगा। सेल्फ डेवलपमेंट गोल को टारगेट किया गया है कि सेल्फ डेवलपमेंट गोल को किस तरह से पाना है, देखिए सतत प्रयास करते रहना है ताकि एक लक्ष्य को हम पा सकें जिसमें हमारा आत्मविकास हो, सेल्फ डेवलपमेंट गोल।
सतत प्रयास करके आत्मविकास के लक्ष्य को पूरा करना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सिसरी रिवर ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सिसरी नदी के पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? करंट अफेयर्स में हम लोगों ने कवर किया था कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली में इस नदी पर इस पुल का उद्घाटन किया गया है। और इसके उद्घाटन के बाद अब आपको पता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जोनाई पासीघाट और रानाघाट और रोइंग रोड जोनाई पासीघाट, रानाघाट और रोइंग रोड, इन दोनों के बीच में यानी जोनाई और रोइंग रोड के बीच में जो गैप है उस गैप को ख़त्म कर दिया जाएगा। गैप को ख़त्म किया जाएगा मतलब कि जोनाई और रोइंग के बीच में जो गैप है उस गैप को टाइम के हिसाब से कम किया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4 से 5 घंटे कम लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको इस सिसरी रिवर ब्रिज के बारे में जानना है, ये कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा, हेल्थ रिफॉर्म रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? स्वास्थ्य सुधार रिपोर्ट कौन से संस्थान से, किस संगठन के साथ जुड़ी हुई है? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि इसको नीति आयोग ने जारी किया है, हेल्थ रिफॉर्म रिपोर्ट को। और नीति आयोग ने बेसिकली एक बात कही थी जिस बात को कहा जाता है हेल्थ सिस्टम, उन्होंने ये बताया था हेल्थ सिस्टम फॉर न्यू इंडिया एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स पोटेंशियल पाथवेज टू रिफॉर्म रिपोर्ट्स, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स पोटेंशियल पाथवेज टू रिफॉर्म। ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट सबमिट की गई है नीति आयोग द्वारा। और इस रिपोर्ट में बात कही गई है कि किस तरह से हम भारत में हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर बना सकते हैं। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि 2019 का वर्ल्ड कबड्डी कप कौन सा देश होस्ट करने वाला है? ये क्वेश्चन है आपका। और इसका सही आंसर है 1 से 9 दिसंबर तक ये होने वाला है कबड्डी का वर्ल्ड कप। और 1 से 9 दिसंबर तक इसको जो होस्ट करेगा वो है भारत, इंडिया विल होस्ट इट। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत तो इसे होस्ट कर ही रहा है, लेकिन कौन सा राज्य, तो वो भी याद रखना, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट इसको होस्ट करने वाली है, ये भी याद रहे आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि विच ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर ऑलराउंडर हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे? किस ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है टोनी मन। जैसा कि हम लोगों ने देखा, टोनी मन साहब जो है उनकी डेथ हो गई है। और इसमें हैं तो बहुत सारे, केविन रॉबर्ट्स, डेरन लेहमन, शेन वॉन, ब्रेड हॉग, ये सब लोग भी हैं, लेकिन ये सब लोगों की बात नहीं है। रिसेंटली टोनी मन की डेथ हुई है, वो कि ऑलराउंडर भी थे और लेग स्पिनर भी थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये कितना वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा ना इसके बारे में, इनटॉलरेंस, इसके बारे में आप लोगों ने कितना सुना है, असहिष्णुता, बोलने में ही कितना टफ लगता है। और ये देश में फैली हुई थी बहुत लंबे समय तक, अभी तो आजकल कम हो गई है असहिष्णुता, लेकिन देखें शायद आने वाले समय में फिर से आए। पर खैर ये तो मजाक की बात थी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, आपस में भाईचारा बना करके लोग रहें और एक दूसरे के खिलाफ मन में कोई भी द्वेष ना रखें। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये, विच सिटी हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना? अच्छा, रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब करंट अफेयर्स के बारे में, तो वहाँ पे डिस्कस किया था मैंने कि 80 जो ट्रक होंगे, 80 ट्रक टैंकर्स लगे होंगे और पूरे के पूरे शहर के जितने भी सेप्टिक टैंक हैं उन सभी सेप्टिक टैंक से कचरा निकाल करके ले जाएंगे और कचरे को हटा करके सफाई करने का अभियान है ये नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा। आप लोग ये सीएम साहब को जानते ही हो, काफ़ी फेमस है ये अरविंद केजरीवाल। अच्छा, क्यों फेमस है उसके बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कशन करते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल हैज सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दी लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स एट वन प्लेस? यानी कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसने कार्डियक सर्जरी का मतलब ये होता है हृदय से संबंधित, तो हृदय की सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा मरीजों को एक ही स्थान पर हैंडल किया है? और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है रमेश हॉस्पिटल्स, जो कि विजयवाड़ा में है,
दिस इज द राइट आंसर, रमेश हॉस्पिटल्स। और विजयवाड़ा में इस हॉस्पिटल को ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेडिकल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी इन इंडिया। भारत में तीसरी सबसे बड़ी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ये, और रमेश हॉस्पिटल्स इस नाम से जाना जाएगा हमेशा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कि उसने एक ही साथ कई सारे हृदय रोगियों को एक साथ इकट्ठा करके उनकी सर्जरी के लिए अपने प्लान्स किए, अपने उन्होंने ऑपरेशंस प्लान आउट किए। तो चलिए, ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन हम लोगों ने किया, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन था। अब हम लोग अगले सेक्शन में जब मिलेंगे, जब हमारा अगला सेशन होगा लाइव सेशन, उस लाइव सेशन में हम लोग, काफ़ी लंबा सेशन होगा क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर्स है, उसकी भी चर्चा करेंगे और डिस्कशन करेंगे हमारे और आने वाले जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उनका। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसकी लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।